नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 21 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। UPSC और अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूँ, UPSC 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 8564880530 9696008 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स जो एकदम फ्री हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और ये सारे हमारे हैंडल्स आपके कवर पेज पे दे रखे हैं। ठीक, हमारे जो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके UPSC और अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन के लिए, वो है उभरते सितारे फंड। अब ये किससे संबंधित है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दूसरा है कि आपका न्यू स्टडी करी गई है भैया COVID-19 पर, जब से आया है तब से स्टडी ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के उसमें अपडेट आती रहती है, हम टाइम टाइम पर आपको ये बताते रहें। फिर से आज एक चीज़ बताएंगे कि क्या है कि COVID-19 की वैक्सीन की एफिकेसी मतलब कितना प्रभाव करता है, इसकी क्या है, और बूस्टर शॉट लेने हैं या नहीं लेने हैं, देखेंगे क्या चीज़ें हैं। UN पीस कीपर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आज के लिए, और ये वाले जो अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपना जो है फिर से जो है ऑक्यूपाई कर लिया उसे, और तो उसके बारे में दो यहाँ पे न्यूज़ हैं यहाँ पर। ठीक, एक तो हज़ाराज कौन है अफगानिस्तान में उनके बारे में बात करेंगे, और शारिया लॉ क्या होता है जो मतलब रिपोर्ट के अनुसार और जो है हमारे जो रेलेवेंट न्यूज़पेपर्स में जो आई है उसके हिसाब से हम बताएंगे शारिया लॉ क्या होता है और इसका क्या मतलब है अफगान व्यूमन से। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए, पहला जो हमारा टॉपिक है GS पेपर 2 से उभरते सितारे भारत। GS पेपर 2 और 3 में भी आ सकता है क्योंकि इकोनॉमी से संबंधित है ये। यहाँ पर क्या है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा है कि ये एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक निवेश फंड जो है लाएंगी, जिससे कि जो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज हैं। ठीक, इसकी मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ कि कौन सी कंपनियाँ जो है उसका क्या टर्नओवर के हिसाब से क्या रहता है, 250 करोड़ है, कितना है कमेंट करके बताइए। स्मॉल और मिड साइज जो कंपनीज हैं उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, जिसके लिए एक AIF यानी कि इंटरनेशनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है, और इस फंड का नाम क्या रखा गया है, उभरते सितारे फंड। ठीक, उभरते सितारे फंड, ये किससे संबंधित है, स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज हैं उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ऐसे याद करो एकदम जो है कुछ भी नहीं भूलोगे। क्या इसका साइज है, 250 करोड़। वहाँ पे पूछेगा आपसे, बोलेगा 2500 करोड़, ठीक ध्यान रखना, नहीं 250 करोड़। लखनऊ में लॉन्च किया गया है फंड जो है, ये ज्वाइंटली स्पॉन्सर किया जाएगा एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक, और आपका दूसरा SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये जो है कुछ इक्विटी जैसे होती है ना शेयर वेयर, उनके थ्रू जो है शेयर्स जो कैपिटल मार्केट में होता है स्टॉक वो वाले जो उन प्रोडक्ट के जरिए, डेब प्रोडक्ट में जैसे बॉन्ड वॉन्ड होते हैं उनके जरिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ाएगा अब स्मॉल और मीडियम में, लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में ही। तो इसमें मतलब यह है कि आपका एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर, माइनिंग वाइनिंग ये सब जो होते हैं वो नहीं है। ठीक, ध्यान आ गया, तो क्या चीज़ें नहीं है उनको ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, मीडियम स्मॉल मीडियम और आपका स्मॉल वाली कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आपका 250 करोड़ का है ये उभरते सितारे फंड, और जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है तो एक्सिम बैंक है और SIDBI है। इतनी चीज़ याद आ गई, तो बस इससे ज़्यादा अब इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें बस यही है कि डोमेस्टिक एरिया में जो है ग्लोबल डिमांड पूरी कर सकें, एक्सपोर्ट उसका बढ़ाना है। अब इसमें देखो, फंडिंग भी की जाएगी और दूसरा ये है कि इसमें एडवाइजरी भी दी जाएगी। एक तो फाइनेंशियल इसका पहलू है, वित्तीय जो है सहायता करनी है वो तो है ही है, साथ ही साथ एडवाइजरी भी दी जाएगी कि भैया फंडिंग दे रहा है कोई, तो ऐसा तो है नहीं कि फंडिंग दे दी तो फिर वो उसको अपने साथ कुछ एडवाइस भी करी जाएगी। इसमें ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, जो भी अभी अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं किसी कारणवश तो उनको परफॉर्म
करने में बदलेंगे, एक्सपोर्ट उनका बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें ठीक। टेक्निकल असिस्टेंस ये सारी दी जाएंगी। एक्जिम और सिडबी का है, 100 पोटेंशियल प्रपोजल इनके पास आ भी चुके हैं अलग अलग सेक्टर्स में ठीक। और जो है इसमें आपका कई सारे, जैसे देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या होगा कि जो माइनिंग वाली है वो नहीं होंगी ठीक है ना। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और जो भी जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग वाली होनी चीज़ें सर्विसेज वाली वो हैं, और कुछ सेक्टर यहाँ पे इन्होंने बताए भी हैं, इनके नाम जो भी याद कर लेना। एग्रीकल्चर भी है इसमें, फिर से याद कर लीजिए, एग्रीकल्चर भी है, सॉफ्टवेयर भी है आपका, फार्मास्यूटिकल गाड़ी वाड़ी ऑटो वाली हो गई, इंजीनियरिंग और सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें ठीक। एक्जिम बैंक आपको मैंने बताया, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इसको बोला जाता है, और ये 1981 में जो है एक एक्ट के जरिए, यानी कि ये जो है वैधानिक जो है आपका ये एक संस्था है ठीक। और इंजन मतलब एक तरीके से ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है इंडस्ट्री का, और कई सारे प्रोडक्ट हैं इसके, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और 1982 में ये फाउंड हुआ था ठीक, एक्ट आया था 1981 में। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को की जो फाइनेंस कंपनी होती है, मतलब इन इंटरप्राइजेस को जो भी फाइनेंस करती हैं, वित्तीय जो है सहायता देती हैं, उन कंपनियों की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है ठीक, रेगुलेट करती है उनको, ये चीज़ है। और साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है ये, जो ध्यान रखना 2 अप्रैल 1990 से चालू हुई थी ठीक। अगला जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही आसान सा, इसमें बताया गया कि COVID-19 की जो वैक्सीन है उसकी प्रभावकारिता जो है वो घटती जाती है समय के अनुसार ठीक। US में ये कई सारी स्टडी हुई थी, 3 नई स्टडी हुई हैं, और ये पब्लिश करी गई किसके द्वारा, US के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा। और उन्होंने बताया है कि जो मॉडर्ना और फाइजर की जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, इसमें दो डोज लगते हैं, तो समय के साथ में उनकी प्रभावकारिता कम होती जाती है। तो अब क्या है कि आपको तीसरा डोज या फिर बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा, ताकि जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे ठीक। आपका जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है USA का, उसने ऑलरेडी बूस्टर डोज, ये तो स्टडी ने बताया है ठीक है ना, ऑलरेडी जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है USA का, उसने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि जिन लोगों को इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है, और जिन लोग का कुछ ट्रांसप्लांट वेस्प्लांट हुआ है, इधर कुछ भी उन्होंने कराया है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी किसी कारणवश, तो उनको तो बूस्टर शॉट लगवाना ही है, जिन्होंने मॉडर्ना और फाइजर वाली वैक्सीन लगवाई थी ठीक। अभी जो जॉनसन एंड जॉनसन वाली जिसमें एक ही शॉट लगता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 स्टडी हुई, जो यहाँ पे मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ, जो कि पब्लिश हुई सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन में, उसने कहा कि भैया जो मॉडर्ना और ये फाइजर वाली वैक्सीन है, इनकी समय के साथ में प्रभावकारिता कम होती आती है ठीक, तो इम्यूनिटी क्या हो रही है, कमज़ोर है। अभी इस पे जो है सभी को लगवाना कि नहीं लगवाना, इस पे अभी निर्णय नहीं आया, ये सिर्फ स्टडीज़ ने बताया, ध्यान रखना पहली बात। लेकिन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी एक हफ्ते पहले ही ये कहा है कि जिन्होंने मान लीजिए कोई ट्रांसप्लांट कराया है, या फिर जिनकी भी इम्यूनिटी वीक हो गई है, उनको COVID-19 का बूस्टर डोज मॉडर्ना फाइजर वाली जिन्होंने लगवाए हैं बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। जॉनसन जॉनसन कुछ पता नहीं है, कुछ और भी कंट्रियाँ हैं, इसराइल, जर्मनी, फ्रांस, उन्होंने ऑलरेडी बूस्टर शॉट के लिए बोल दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो रोक लगा दी थी बूस्टर शॉट के लिए अगस्त में, क्योंकि भैया कई सारी कंट्रीज़ में जो है कहीं पर वैक्सीनेशन है ही नहीं, कहीं पर है, तो डिस्पैरिटी को रोकने के लिए ठीक। स्टडीज़ जो है ये कंडक्ट करेंगे, उन्होंने ये बताया कि समय के साथ में कम हो जाती हैं, बस सिंपल उन्होंने यहाँ पे चीज़ बताई है, इतना ज़्यादा इसके उसमें पढ़ना नहीं है ठीक। और यहाँ पे ये कहा गया है कि हु कैन गेट द बूस्टर शॉट, अभी तो CDC ने यही बोला है कि जिनकी भैया सीवियरली इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको तो लगवाना है, आगे देखा जाएगा भैया कि जिनको कि सबको बोलते हैं या फिर नहीं ठीक, ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है UN शांति रक्षक, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक या फिर UN पीस कीपर से संबंधित, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मतलब जो आएगा अभी, यूनाइट अवेयर, ठीक है ना, यूनाइट अवेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये भी समझेंगे UN पीस कीपर्स क्या होते हैं, यूनाइट अवेयर क्या किस तरीके से हेल्प करता है, भारत की तरफ से डेवलप किया गया इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एस जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि 200,000 वैक्सीन हमने COVID-19 डिजीज़ से निपटने के लिए जो UN के पीस कीपर्स हैं, अच्छा जो UN के पीस कीपिंग मिशन में जो लोग रहते हैं
वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं है, पूरी दुनिया से आते हैं। हो सकता है एक पीस कीपिंग फोर्स कहीं पे लगी हुई है तो उसमें इंडिया से भी हो, बांग्लादेश से भी हो, पाकिस्तान से भी हो, सभी लोग हो सकते हैं, ठीक है, और भी जगह से भी हो सकते हैं। तो उन सभी के लिए 2 लाख वैक्सीन जो है इंडिया ने भेजी थी मार्च के महीने में, यानी कि जस्ट बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ जो है आपका कोरोना वाला, ठीक। तो इसमें प्रमुख बिंदु यहीं पे है कि भारत ने अभी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भारत में जो डेवलप किया गया है यूनाइट अवेयर नाम से, उसको दिया है पीस कीपिंग मिशन को। ये अपने बचाव के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ मुहैया कराता है, इन्फॉर्मेशन मुहैया कराता है, जैसे कि टेरेन, जिस इलाके में पीस कीपिंग मिशन वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ के टेरेन की जानकारी देता है आपका यूनाइट अवेयर, जो कि इंडिया ने डेवलप किया है आपका किसके साथ मिलके, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, इनके साथ मिलके। अब देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की तरफ से जो है बनाया गया, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनाइट अवेयर किससे संबंधित है, तो आप बोल सकते हो पीस कीपिंग मिशन से। इंडिया ने इसको बनाया है और ये किस मतलब क्या कैसे हेल्प करता है, तो टेरेन बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो पीस कीपर तक पहुँचाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है टेरेन बेस्ड इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ में रह रहा है, वहाँ पे नक्सलियों से हमें लड़ने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि जो नक्सली हैं वो वहाँ के लोकल हैं, वहाँ की टोपोग्राफी टेरेन से भली भांति वाकिफ है, ठीक, हम जो वहाँ के सैन्य बल हैं हमारे उनसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर इस इलाके में मान लीजिए कभी पीस कीपिंग मिशन लगता है या ऐसे कई इलाकों में काम करते हैं, तो उस इलाके की जानकारी अगर मिले अच्छे से टेरेन की, क्या कैसे क्या है, कहाँ पे जो है मतलब आपका डाउन एरिया है, कहाँ पे अप एरिया है, कैसे कहाँ पे पेड़ ज़्यादा फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ें, तो काफ़ी हद तक जो है हेल्प हो सकती है। इंडिया ने अभी आपको पता है अगस्त के महीने में इंडिया जो है आपका प्रेसिडेंट है, पीठासीन बना हुआ है, अध्यक्षता ग्रहण कर रखी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, और ये जो है एक्सपेक्टेशन पीस कीपिंग विजुलाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक, पीस कीपर्स को काफ़ी मदद करेगा बचाव के लिए उनके लिए। किनके साथ बनाया गया ये आपको बता दिया, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए थे $1.64 मिलियन, यानी कि $16 लाख करीबन, और मिनिस्टर ने ये भी बताया कि 4 पॉइंट फ्रेमवर्क जो है ज़रूरी है पीस कीपर्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से एक क्वेश्चन बन भी सकता है कि पीस कीपर्स के लिए जो है भारत की तरफ से जो है 4 पॉइंट क्या हो सकते हैं या जो दिए गए वो क्या हैं, कि भैया डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रूवन कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हमें रखनी चाहिए, साथ ही साथ साउंड इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस उनको देना चाहिए, खुफिया जानकारी और अच्छी जानकारी देनी चाहिए, प्रिसाइज पोजीशन उनकी कहाँ पे, और ओवरहेड विजुलाइजेशन भी, मतलब हम ऊपर से उनको देखते रहें, चाहे ड्रोन के जरिए सैटेलाइट के जरिए हम उनको देखते रहें, हम निगरानी करते रहें कम से कम उनकी, और प्रिसाइज लोकेशन बताएं कि कहाँ पे वो लोग हैं इस समय, उनकी क्षमता और ट्रेनिंग पीस कीपर्स की जो होनी चाहिए और ट्रेनिंग जो है टेक्नोलॉजी में, ये चीज़ जो है भारत की तरफ से रखी गई है। यूनाइट अवेयर मैंने आपको बताया मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है, डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा और टेरेन बेस्ड इन्फॉर्मेशन देता है, उनकी सेफ्टी के लिए होता है, यूएन डिपार्टमेंट पीस कीपिंग ऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न सर्वलांस टेक्नोलॉजी इसमें आपको दी जाती है, ठीक, और पीस कीपर्स को ताकि डिटेक्ट कर सके एसिमेट्रिक थ्रेट्स को। एसिमेट्रिक थ्रेट समझते हो, मतलब आप मान लीजिए 10 लोग हैं, सामने से आपके जो है करीबन आ रहे हैं 1000 लोग, या खतरा जो है बड़ा है, एसिमेट्रिकल है, तो इसको जो है ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके से लोगों को पीस कीपर्स को बचाने के लिए यूनाइट अवेयर जो कि इंडिया के तौर डेवलप किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। पीस कीपिंग यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कई सारे ऐसे इलाके होते हैं अफ्रीका में ज़्यादातर पीस कीपिंग फोर्स लगते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, कॉन्फ्लिक्ट मार धाड़ मस्ती रही, और फिर वहाँ पे किसी तरीके से जो है पीस बनाया गया है, उस पीस को मेंटेन करना और फिर वहाँ पे जो है एक बढ़िया वहाँ की जो पुलिस वुलिस है वहाँ पे वो लोग लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन कर सकें, सारी जो है चीज़ें अच्छे से, मतलब एक सस्टेनेबल वहाँ पे जो है शांति बनी रहे, उस बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ये सस्टेनेबल जो शांति बनी हुई है उस बीच में जो पीस कीप को कीप करके ये सारे ऐसा माहौल ऐसा जो है वातावरण दिया जाए कि ये सारी जो है जो मतलब स्थितियाँ वो सामान्य हो जाए, इसी का काम करती है पीस कीपिंग फोर्स, ठीक, पीस कीपर जो होते हैं, और ये कभी भी ऑफेंसिव उस रोल के लिए नहीं यूज़ होते हैं, ये हमेशा डिफेंस में ही रहते हैं, और अगर कभी ये कुछ कोई मतलब करेंगे भी तो आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के ही उस पे मोटिव पे जो है करते हैं अपने आप को बचाव के लिए, कभी भी ऑफेंस नहीं करते हैं, ये चीज़ है क्योंकि इनका काम ही पीस कीपिंग का है। तो ये है कि बर्डन शेयरिंग और मल्टीनेशनल मैंडेट है, कई जगहों से सिविल पीस कीपर जो है वो आते हैं आपके सिविलियन, इंडिया की तरफ से डिफेंस में कई लोग जाते हैं,
ठीक, और ट्रांजिशन आसानी से हो जाए कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूएन मेंबर स्टेट्स की, कई सारे लोग भेजते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीस कीपर्स भेजते हैं। यूएन पीस कीपर्स के तीन सिद्धांत हैं ध्यान रखना। एक तो यह है कि जो पार्टीज़ हैं उनके कंसर्न होना चाहिए। मान लीजिए अफ्रीका के किसी कंट्री में आप भेज रहे हो, अब वो चाहते ही नहीं है कि आप जाओ, और या फिर जो पीस कीपर जा रहे हैं जहाँ से इंडिया जा रहे हैं उनका भी कोई सहमति नहीं है तो नहीं भेजेंगे। निष्पक्षता होनी चाहिए, ये नहीं है कि वहाँ गए वहाँ पर जाके एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी जो जो उनको दिखा कि ज़्यादा ताकतवर है उसका जो है पक्ष लेने लगे। इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता होनी चाहिए, और फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेल्फ डिफेंस और डिफेंस जो है जिस कारण से भेजे गए उनको बस बचाव करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए ही ये लोग हथियार उठाते हैं, या अदरवाइज़ हमेशा डिफेंसिव मोड पर ही रहते हैं। ठीक, अफगानिस्तान के हज़ारा कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ संदर्भ समझ लेते हैं। तालिबान जैसे ही अफगानिस्तान में उसने कैप्चर किया, अभी कल हम लोगों ने देखा था कि जो है रणजीत सिंह जो थे हमारे सिख जो लीडर थे महाराजा, उनकी जो है स्कल्पचर को तोड़ दिया था। अब यहाँ पे हज़ारा लीडर एक थे उनकी जो स्कल्पचर को तोड़ दिया, जो क्यों तोड़ा गया देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो बताया गया न्यूज़पेपर्स में वो बता देता हूँ। मुस्लिम्स में दो सेक्ट्स होते हैं मेनली, एक होते हैं शिया और दूसरे होते हैं सुन्नी। ठीक, तो जो सुन्नी हैं वो तादाद में अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीबन 98-99% है, शिया जो है वो 1% है। ईरान जो है शिया, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शिया जो देश है वो ईरान है। बाकी सब जितने जैसे कि अफगानिस्तान में भी क्या है वहाँ पे सुन्नी ही ज़्यादा रहते हैं, सुन्नी पॉपुलेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, और सुन्नी का सबसे बड़ा जो प्रवक्ता है वो है सऊदी अरेबिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो आप देखो यहाँ पे जैसे आपका सीरिया है, तो सीरिया में क्या है कि ज़्यादातर जो असाद है जो वहाँ पे काफ़ी टाइम से सिविल वॉर चल रहा है वो सुन्नी, वो शिया है सॉरी, ठीक, ये अलावी के हैं, अलावी उसके आते हैं, ये शिया हैं। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि शिया जो हैं वो हमेशा मतलब लीडरशिप उसमें रहे हैं, ज़्यादातर जनता जो है वो सुन्नी रही है, लेकिन जनता ज़्यादा है। और अब जो है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गए हैं, आपका जो है धार्मिक रूप से भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे अभी। ठीक, तो ये चीज़ है कि अब सुन्नी जो है सऊदी के नेतृत्व में अगेंस्ट जो है शिया के हमेशा काम करते रहे। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी है हज़ारा एथनिक कम्युनिटी जो कि एक शिया की मिलिशिया जो मतलब शियाइट थे और अफगानिस्तान में हैं काफ़ी टाइम से। इनके लीडर थे अब्दुल अजी अली मजारी, इन ये प्रोविंस जो है बामियान में रहते थे, और इसकी इस मतलब इनकी इनको क्या है कि तालिबान ने 1995 में इनको मार दिया था। तो जब भैया तालिबान हटा वहाँ से 2001 में, तो इनकी जो है स्कल्पचर लगाई गई, शिया वालों ने लगाया एक मतलब रेस्पेक्ट के तौर पे। अब ये लोग फिर से वापस आ गए तो उन्होंने जाके उसको तोड़ दिया। मजारी जो है जो चैम्पियन हज़ारास के माने जाते थे, तालिबान ने इनको एग्जीक्यूट किया था, अब इनको जो है जाके स्कल्पचर तोड़ दिया, तो इसलिए जो है न्यूज़ में। अब हज़ाराज होते हैं क्या इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान है आपका, तो जो इसका सेंट्रल एरिया है सेंट्रल अफगान, तो ये माउंटेन वाला एरिया है, ठीक है, और इसमें जो है आपका ये हज़ाराज रहते हैं, ये एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है वहाँ के। हालांकि आज ये अल्पसंख्यक है, पहले जो है ये करीबन 65% होते थे, आज ये देखा जाए तो काफ़ी 10% के आसपास ही, अभी बताऊँगा। ठीक, ये जो है मंगोल अंपायर के जो चंगेज खान थे उनके वंशज बोले जाते हैं हज़ारा जो है। और चंगेज खान आपको पता ही, मंगोल अंपायर ने जो है ये 13th century में याला रीजन भी अपने जो है एम्पायर में जोड़ लिया था। 1773 में माउंटेन रीजन के जो हज़ारा रजत जो है, ये मॉडर्न डे का जो सेंट्रल अफगानिस्तान है, उसको अहमद शाह दुरानी, ठीक, और ने जो है अपना पार्ट बना लिया था अफगान अम्पायर का। पश्तून रूलर थे अहमद शाह अब्तानी। अच्छा, पश्तून जो है वो सब सुन्नी मुस्लिम है, शिया जो है वो हज़ारा एक कम्युनिटी वाले शिया हैं, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई रहती रही। अब लेकिन ये तादाद में ज़्यादा थे पश्तून, तो 18th और 19th century में क्या हुआ कि इन्होंने हज़ाराओं को मारना चालू किया। तो जो फर्टाइल जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन थी उसको छोड़ के ये लोग माउंटेन एरियाज़ में चले गए हज़ारा, और वहाँ पे रहने लगे अपने नए उसमें, ठीक है। और जो है टारगेट तालिबान इनको करता रहता है क्योंकि ये शिया मुस्लिम है इसलिए, और कई सारे अफगान जो हैं ये इसको जो है इसको उनको मानते नहीं हैं कि मतलब जो है ये यहाँ के हैं भी। और ये क्यों अलग माने जाते हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये पर्शियन डायलेक्ट बोलते हैं, पर्शिया आज का जो ईरान है इसको पहले इसको पर्शिया बोलते थे,
तो वहाँ की एक लैंग्वेज है, पर्शियन डायलेक्ट है, हजरागी वो बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी अलग है बाकी कंट्रीज से, शिया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा इनके ऊपर दिक्कत होती है। आज ये करीबन 10-12% हैं आपका, आपके जो है ये 38 मिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन में, पहले 67% थे अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के। तो देखिए कितना ज़्यादा इनको जो है कम करते चले जा रहे हैं लोग, और सदियों से उत्पीड़न इनका होता रहा है। मिड 19th century मतलब अभी 1850 के आसपास देखा जाए तो हज़ारों का जो है काफ़ी इनको जो है मारा धाड़ा गया था, काफ़ी किल किए गए थे, इनको फोर्सफुली यहाँ से भगा दिया गया था। तब के जो पश्तून किंग थे आमिर अब्दुल रहमान जी, उन्होंने जो है इनको मारने का आदेश दिया था कि मारो इनको, ठीक है, जितने भी शिया हैं सबको मार डालो, और सबके यहाँ जो है सेंट्रल अफगानिस्तान में जो भी है उनको यहाँ पे घर में इनके घुस घुस के इनको निकालो यहाँ से, ठीक। और कई सालों तक जो है ये चलता रहा, और हज़ारों को जो है स्लेव मतलब आपका जो है गुलामों की तरह बेचते भी रहते थे लोग 19th century के आखिरी तक, यानी कि आपका 1890, 1887, 1888 इधर, ठीक। सिविल वॉर जब कंट्री में चल रहा था 1990 में, तब भी जब तालिबान का पहला जो था यहाँ पे 95 से 2001 तक, तब भी कई सारे जो हज़ारा पीपल थे उनको जो है मार दिया गया था। और जब अफगानिस्तान को यूएस ने इन्वेड किया 2001 के बाद में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाले कांड के बाद, तब भी जो है इनके ऊपर माइनॉरिटी जो ये अल्पसंख्यक है हज़ारा, इनके ऊपर काफ़ी जो है उत्पीड़न इनका होता रहा। और अफगान फाइटर्स जो ये हैं तालिबान फाइटर्स, ये हमेशा वायलेंस इनके ऊपर करते रहे, आइसिस भी करते रहे, क्योंकि ये भी सुन्नी मुस्लिम सी ही मतलब एक आइसिस भी सुन्नी मुस्लिम्स का ही एक संगठन था। और यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया मॉस्क, स्कूल, हॉस्पिटल, हज़ारा को किडनैप करते थे, ट्रैवल करा मतलब करते हुए कहीं जा रहे हैं वहाँ पे भी इनको मार दिया जाता था। 2004 में अफगानिस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनको इक्वल राइट और ये सब दिया गया था, लेकिन मतलब ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली जो है इनको हमेशा से इनकी आज़ादी और अधिकार इनको कभी मिला नहीं। तो ये चीज़ है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि न्यूज़पेपर्स और हमारे उसमें दिए गए थे उस हिसाब से, ठीक। तो इसमें मेरे खुद के कोई भी तर्क नहीं है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सो ये किसी के लिए भी, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लिए मैं यहाँ पे कोई नहीं, मैं बस निष्पक्ष जो चीज़ें आ रही हैं वो खाली बता रहा हूँ, ठीक। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी शारिया लॉ से ही, तो इसमें भी यार डिस्क्लेमर पूरी तरीके से लागू होता है। शारिया लॉ क्या है और क्या अफगान जो विमन है, महिलाएँ, उनके लिए ये क्या अर्थ है इसका, ये समझते हैं यहाँ पर। अभी तालिबान जब आ गया है तो ये काफ़ी जो है अब काफ़ी सुधर गया है, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि सुधर गए हैं। और अफगान ये तालिबान का जो एक लीडर है वो मुस्लिम एक जो रिपोर्टर उसके साथ में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके का जो है दिखाया गया है कि काफ़ी अब उतने कट्टरवादी नहीं है महिलाओं को भी। ये एक सबसे बड़ी एक मतलब इन लोग का यहाँ पे यही था, इन लोग का जो पिछले रूल आया था, पीछा रूल आया था पीछे 1995 में 2001 तक, कि महिलाओं की तो कोई भी, जैसे मैंने अभी कल परसों में आपको बताया भी था, अधिकार तो नील बटे सन्नाटा, ये वाली बात थी। तो अब की बार ये दिखा रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि नहीं नहीं उनको समान अधिकार होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काफ़ी देखा गया है कि कई लोग जो है महिलाएं जो है काफ़ी उनके ऊपर अत्याचार होने लगे। क्योंकि देखो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो लोग मतलब उनके अंदर कूट कूट के भरी गई है, ऐसा ब्रेन वॉश किया गया इस तरीके से, तो हो सकता है कि उनके लीडर कुछ इस तरीके से बात कर भी रहे हों जो थोड़े बहुत समझदार हैं जिनको, या फिर वो सोच रहे हों कुछ ऐसा मुखौटा पहना जाए मास्क कि दुनिया को लगे कि हाँ हम हैं, और फिर मीडिया को इतना दबा दो कि जहाँ यहाँ की बात ही बाहर ना निकल पाए, ठीक है ना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में होता है। तो कुछ ऐसा शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिलाओं का तो बुरा हाल ये लोग करते ही हैं, कोई अधिकार नहीं होते, बहुत ही बुरा हाल होता है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, हालाँकि ये शो करना चाह रहे हैं कि ये काफ़ी जो है इस बार उदार हो चुके हैं, लिबरलाइज्ड हो गए हैं, बट ऐसा है नहीं। अच्छा, शारिया क्या है, ये कुरान के ऊपर जो है हमारी जो है बेस्ड है। कुरान जो एक बहुत ही होली बुक होती है मुस्लिम्स में, इसमें जो है पैगंबर मोहम्मद साहब जो है, ठीक, प्रॉफेट मोहम्मद जो है, उनकी लाइफ के बारे में और जो कई सारे धार्मिक जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनकी जो फैसले हैं उस पर जो है ये कुरान होली बुक बनी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि क्या नैतिक और क्या लॉ कानूनी ढांचा होना चाहिए, और कुरान ये डिटेल में बताता है कि मॉरल लाइफ हमें कैसे पानी चाहिए, नैतिक जीवन कैसे मिल सकता है। हालांकि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी धर्म में देखिए ये सब नफरत नफरत नहीं फैलाई जाती है। दिक्कत जानते हैं क्या है, किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, दिक्कत ये है कि जो इसमें लिखा गया है उसको इंटरप्रेट, उसकी जो व्याख्या है वो लोग अपनी अपनी
जो है अनुसार अपने अपनी संकीर्ण सोच, अपने अपने ब्रॉड सोच या फिर जो भी समझ लीजिए उस हिसाब से करते हैं, या फिर अपनी अपनी रोटी के हिसाब से करते हैं कि कैसे उनको रोटी या फिर कैसे उनका काम चलेगा, और इसीलिए जो है गड़बड़ हो जाती है। सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई शारिया को जो है बहुत ही कट्टरवाद, जैसे तालिबान कर रहा है, ठीक है, कि कोई चोरी करे हाथ काट दो, कोई उसको जो है पब्लिकली जो है गला काट दो, गला रेत दो, कोई भी है नाचना गाना ये सारी चीज़ें कुछ हो नहीं सकती, ठीक है, कोई और बाहर का कोई आ जाए तो जैसे बुद्धा की पूरी उन्होंने उड़ा दी, हज़ारा जो है इनको उड़ा दिया, ठीक है ना, और आपका व्यूमन के लिए तो कोई भी वो नहीं है जो है अधिकार, ठीक, पूरे हर समय पर्दे में रहना है, कोई बाहर जाना है तो किसी मेल के साथ ही जा सकते हो सिर्फ, कोई पढ़ना नहीं है, कोई लिखना नहीं है, कहीं कुछ सीखना नहीं है, खाली जो है बच्चे पैदा करने और कुछ काम ही नहीं है, क्या मतलब, क्या तो आपने बना दिया यार। हम लोग, हमारे दो मैन जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल तो है लेकिन वो सोशल एनिमल है। आप सोशल वर्ड ही इसमें हटाए दे रहे हो यार, तब तो एनिमल बचेगा खाली, और एनिमल्स में कोई इमोशन नहीं होते, यही हमें एनिमल और ह्यूमन को अलग करता है, तो आपके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये इंटरप्रिटेशन है तालिबान का, और उसमें देखो नाम खराब करते हैं ये लोग, ठीक है ना, इसमें तो कई लोग जो हमारे जैसे भारत में कई लोग जो है, हालांकि एक दो लोग तो बोलेंगे लेकिन कई लोग जो है इसका वो करते हैं कि मतलब ये इस्लाम है ही नहीं है, गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्योंकि उनकी व्याख्या इस्लाम की अलग है, शरिया जो है उनके लिए अलग है, बस व्याख्या की ही एक बात है कि लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन असलियत में ये नहीं, कोई भी धर्म जो है किसी को आपस में लड़ाने, किसी भी गलत बात को करता नहीं, किसी भी हेट फैलाने की, बस जो जिनकी रोटी जिस पर चल रही है या फिर जो लोग पढ़े लिखे इतने नहीं है वो अपने हिसाब से व्याख्या करके और अपना वो चलाते हैं, और जबरदस्ती चलाने की कोशिश करते हैं बंदूक के दम पर, तो ये सारी चीज़ें, ठीक। और ये जो मेरा मतलब कमेंट है ये मेरा अपना है, और ये मुझे लगता है सही भी, अगर आप लोग को लग रहा है कि गलत है तो आप लोग कमेंट करके जो बता सकते हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मतलब जो बात है वो यही है कि कोई भी धर्म जो है हेट नहीं सिखाता है, सिर्फ जो लोग जो है उसका गलत उपयोग कर रहे हैं उनको हमें सही करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, और इसमें इंटरप्रिटेशन जो तालिबान कर रहा है वो बिल्कुल गलत है हिसाब से, मेरे हिसाब से, और यहाँ पर शरिया में ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई जिस भी हमने ये न्यूज़ आर्टिकल से उठाया, वहाँ पर शरिया का निर्धारित क्या निर्धारित करता है कि व्हाट डज शरिया प्रिस्क्राइब क्या करता है कि भैया थेफ्ट हो रही है, ये मतलब क्राइम व्राइम बताता है कि चोरी करना, एडल्ट्री करना क्राइम है, ठीक है ना, आपका जो है ये पनिशमेंट कैसे देना है, अगर प्रूफ मिलता तो पनिशमेंट दिया जाएगा, नैतिकता और स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता जो है गाइडेंस दिया जाता है, कैसे प्रेयर करनी चाहिए, कब मैरी कर सकते हो आप, कैसे मैरी करो, कैसे शादी करो, कैसे डिवोर्स हो सकता है, और इट डज़ नॉट फॉरबिड, अच्छा देखो यहाँ पे ये भी है कि वीमेन टू लीव होम, अच्छा इसमें ये कहता है कि कोई वीमेन अगर घर को छोड़ती है किसी मेल एस्कॉर्ट के बिना तो उसको जो है माफ़ नहीं किया जाता है, कोई नौकरी वोकरी करने का कोई मतलब ही नहीं है उनको, जो कोई वो नहीं दिया जाता अधिकार। तालिबान ने पहले शरिया की व्याख्या कैसे की, ने ठीक है, हाउ डज द तालिबान प्रीवियसली इंटरप्रेटेड शरिया, जब ये 1986-96 से 2001 तक थे तब तो उन्होंने टेलीविज़न बैन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बैन, ठीक, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था प्रमोशन ऑफ वर्च्यू, ठीक है ना, और जो है सदाचार को बढ़ावा देना और प्रिवेंशन ऑफ वाइस, जो आपका जो बुराई है उसकी रोकथाम करना, सऊदी मॉडल पे इसको बनाया था, सऊदी अरेबिया वाले मॉडल पे, रिस्ट्रिक्शन जो है बिहेवियर, ड्रेस, मूवमेंट, कहाँ जाना है क्या नहीं जाना, मोरलिटी, पुलिस इनकी घूमती रहती थी, ऑफिसर पिकअप ट्रक पे पीछे बैठ के AK-47 लेके घूमते रहते थे, पब्लिकली किसी को भी मारना, किसी को भी कोड़े बरसाना महिलाओं को, ठीक है ना, अगर वो उनके रूल नहीं मान रही या फिर जो भी है बात कर रही हैं या कुछ भी है तो उनको कोड़े मानना सबके सामने, पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, समझ रहे हो, और ह्यूमिलेट अगर वर्ड बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर एक तरीके से देखा है तो। 1996 में क्या है कि वुमेन काबुल में वो उसने नेल पॉलिश लगा रखी थी तो उसकी नेल तक की जो है वो उंगलियाँ काट दी, थंब काट दिए गए, ठीक, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक NGO है आपका ह्यूमन राइट से संबंधित, ठीक है। इसी के साथ साथ वर्तमान में महिलाओं के अनुसार इसका क्या अर्थ है, व्हाट माइट दिस मीन फॉर वुमेन नाउ, अब तालिबान लीडर तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो है उदारवादी दिखा रहे हैं, और उन्होंने टेलीविज़न पे जो है आपका फीमेल इंटरव्यूअर से जो है इंटरव्यू भी दिया और कैंपेन भी चलाई कि भैया हम बहुत सुधर गए हैं और हम बिल्कुल वुमेन को भी रखेंगे, लेकिन इस्लामिक जो हमारा लॉ है उसके अनुसार, ठीक। लेकिन कुछ ही घंटों बाद देखे आया कि कई सारी एंकर वुमेन जो है स्टेट टेलीविज़न, उन्होंने कहा कि तालिबान ने हमें हटा दिया है, कभी भी वर्क ना करने की बात कह दी है, और कई सारे आउटसाइड काबुल के बाहर देखा गया तो वीमन को जो है घरों से बाहर बिना मेल रिलेटिव के बाहर निकलना मना कर दिया गया है, वीमन जो है एक यूनिवर्सिटी में तो कह दिया गया कि अब वो वहाँ नहीं पढ़ सकती हैं,
साथ ही साथ विमेन को क्लिनिक, स्कूल, ये सब जो है बंद कर दिया गया है। तो भैया कहाँ से उपचार होगा, क्या शिक्षा होगी, कुछ पता नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग अपने फिटनेस सेक्शन पे, जिसका नाम है कॉमन एग एसपी से। इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे वंचुआ इस फेस्टिवल है, इससे संबंधित कौन से कथन सही है पूछा गया। ये फेस्टिवल है आपका टीवा ट्राइब मैन का, एकदम सही है ये। मतलब इट कम्स विद सॉन्ग, डांसेस, बंच ऑफ रिचुअल, कई सारे होते हैं यहाँ पे, गाने, नृत्य, अनुष्ठानों के समूह द्वारा और अपने मूल परिधान में आते हैं ये लोग। ठीक, आपके नेटिव अटायर जो कपड़ा पहना हुआ है इनका, और ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, और जो कि इनका जो है प्राइमरी सोर्स होता है इनकम का या फिर इनकी अर्थव्यवस्था का, ठीक, मुख्य आधार है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीवा ट्राइब जो है आपका, इसको लालुंग भी बोला जाता है, आसाम में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है, और ये काफ़ी मतलब अच्छी हार्वेस्ट हो, अच्छी जो है उपज हो, फसल हो, इसके लिए जो है नेचर जिम्मेदार हो सकता है, और उसी को जो है अच्छा उनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए इस तरीके से इनकी ये अटायर है पहनावा जो आप देख रहे हो, ये टीवा ट्राइब या फिर लालुंग भी बोला जाता है। ठीक, अच्छा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विश्व मच्छर दिवस कब होता है, ये सारी चीज़ें मतलब इससे रिलेटेड कौन से कथन सही है पूछा गया है। 22 अगस्त को होता है क्या? नहीं, 20 अगस्त को होता है। और साथ ही साथ जो है ये सर रोनल्ड रॉस जो थे, इनकी डिस्कवरी को जो है कमेमोरेट किया था, क्या 1897 ही था? बताइए सही है कि गलत है। तो ये सही है स्टेटमेंट दूसरा वाला। वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ट्रॉपिकल मेडिसिन, ठीक है ना, तो इसके द्वारा किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट एकदम खरा सोना है, एकदम सही है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है, 1897 में सर रोनल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था कि मलेरिया पैरासाइट जो है, पैरासाइट के थ्रू होता है अली मलेरिया, याद रखना, ना वायरस, ना बैक्टीरिया, ना फंजाई, सिर्फ पैरासाइट परजीवी की वजह से होता है, और इसको ह्यूमंस में ट्रांसफर करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ध्यान रखना, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है ना, महिला वाली जो है वो काटती है। तो इसके बाद है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2021 का थीम है। ठीक, रीचिंग द वर्ल्ड जीरो मलेरिया टारगेट, ठीक, कब होता है? 20 अगस्त को होता है। तो इसी के साथ में ये जो है हमारा खत्म होता है। 21 अगस्त का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, यार 3 महीने ज़्यादा हो गए, हमने भी पूछा है आपसे कि हु आर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक कौन है, उनका उद्देश्य क्या, भारत ने इसे इसमें कैसे योगदान दिया है। तो एक तो यूनाइट अवेयर बताया, साथ ही साथ जो है पीस कीपर्स भेजता है, फंडिंग भी करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करके जोड़िए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन कराना, वो पूरा हो सके। आप लोग बता दें UPSC 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564008050 9690068 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए, मेहनत करते रहिए।